वहीं पूरे मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है सुनिए। 1500 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं, सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है, पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है, अर्जी अगर किसी ने अर्जी डाला है तो प्रमाण है। देखो एनटीए का उत्तर दे रहा हूँ, कोई शिक्षा मंत्री को आपने सुन लिया। और सुशील पांडे हमारे